क्यूरियस माइंड में मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज से हम देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में कौन कौन सी मेथड आती है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कुछ मेथड्स दी हुई हैं, इंस्ट्रक्टर मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, देन कंटेंट फोकस्ड मेथड, इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड, लेक्चर मेथड, द डिस्कशन मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, उसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड, डायरेक्ट मेथड, टीम टीचिंग मेथड, बायलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड। इतनी मेथड्स हैं, इन्हें हम इस पूरे टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो ये आज के इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, आने वाली वीडियोज़ में एक एक वीडियो आपको मिलेंगी। तो आज हम देखेंगे कि टीचिंग मेथड मतलब क्या होता है, टीचिंग मेथड क्या होता है, शिक्षण पद्धति क्या है, शिक्षण पद्धति में छात्रों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिद्धांत ये और विधियां शामिल हैं। ये रणनीतियां आंशिक रूप से सिखाई जाने वाली विषय वस्तु पर और आंशिक रूप से शिक्षार्थी की प्रकृति द्वारा निर्धारित की जाती है। बच्चों का इंटेंशन कैसा है और सब्जेक्ट कौन सा है उसके आधार पर मेथड की चुना जाता है कि कौन सा बेहतर मेथड होगा, और बच्चों के लिए सबसे आसान तरीका उन तक ज्ञान पहुंचाने के लिए मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर मेथड। तो टीचर्स जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, अनुदेश ही देते रहते हैं, तो इसे भी एक मेथड कहा गया है। तो शिक्षक केंद्रित विधियाँ, यहाँ शिक्षक विषय के स्वामी होने की भूमिका में स्वयं को ढोता है। शिक्षक को शिक्षार्थी एक विशेषज्ञ या एक अधिकारी के रूप में देखता है। दूसरी ओर शिक्षार्थी को शिक्षक से निष्क्रिय और प्रचुर मात्रा में ज्ञान प्राप्त करने वाला माना जाता है। तो यहाँ पर जब टीचर अपने आप को सेंटर मानता है तो वह अपने आप को बहुत बड़ा लर्नर से काफ़ी बड़ा अपने आप को समझता है। खुद ही टीचर अपने ज्ञान को बच्चों तक अपने हिसाब से पहुंचाता है, सारे भूमिकाएं वह खुद ही स्वयं पूरी करता है, और यहाँ पे बच्चे उसे निष्क्रिय मानते हैं जो कि उनके थोड़ी सी मात्रा में ज्ञान पहुंचाते हैं। इस तरह की भूमिका बच्चों की होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ऐसी विधियों के उदाहरण व्याख्यात्मक या व्याख्यान विधियाँ हैं जिनमें शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी की बहुत कम या बिल्कुल भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए यह भी है कि शिक्षार्थी को जो पढ़ाया जाता है उसमें उसकी भागीदारी का अभाव है। इस तरह की विधियों को क्लोज एंडेड कहा जाता है। तो जब टीचर सेंटर्ड विधि की हम बात करें तो वहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व कैसे हो पाएंगे जब टीचर ही सिर्फ बातें करेंगे, उन्हें इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे और स्वयं वह केंद्रित रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ज्ञान पूरी तरीके से बच्चों तक नहीं पहुँच पाता है, और इस वजह से इसे क्लोज एंडेड भी कहा जाता है, क्लोज एंडेड विधि भी कहा जाती है। उसके बाद देखिएगा लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन कौन से हैं। लर्नर केंद्रित विधियाँ शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में अध्यापन प्रशिक्षक, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों होता है। वही लॉरेंस स्टेनहाउस के शब्दों में शिक्षक एक शिक्षार्थी के रूप में भी दोहरी भूमिका निभाता है, इसलिए कि उसकी कक्षा में उसके बौद्धिक क्षितिज को सीमित करने के बजाय उसका विस्तार किया जाए। तो लर्नर सेंटर्ड में टीचर जो है दो भूमिका निभाते हैं, एक तो टीचर की भूमिका, दूसरे लर्नर की भूमिका। तो यहाँ पर टीचर को अपने ज्ञान को सीमित न करके उसे विस्तारित किया करना चाहिए, करता है वह ये सोचता है कि लर्नर के हिसाब से उसे नॉलेज कैसे देना है और बेहतर क्या करना है, एक्स्ट्रा चीज़ें क्या ऐड करनी है। इस तरीके से टीचर भी अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। शिक्षक भी हर रोज़ नई चीज़ें सीखता है। वह शिक्षण की प्रक्रिया में नहीं जानता था। शिक्षक एक प्राधिकरण के बजाय एक संसाधन बन जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित तरीकों की चर्चा विधियाँ खोज या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण है, और चर्चा के माध्यम से सीखने का पहाड़ी मॉडल है। तो देखिए टीचर जो चीज़ पहले नहीं सीखे थे उसे भी वे जब लर्नर सेंटर में आते हैं, शिक्षार्थी सेंटर में आते हैं, तो उन्हें सीखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे के लिए बेहतर चीज़ों को उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है। वे एक संसाधन के रूप में काम करते हैं, और इस तरीके से इस विधि में, लर्नर सेंटर विधि में चर्चा डिस्कशन को वैल्यू दिया गया है। डिस्कवरी, देखिए डिस्कशन मेथड डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस,
होती है, ये ध्यान में रखिएगा। लर्नर मेथड हमेशा चर्चा विधियाँ, खोज या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण होती है और चर्चा के माध्यम से सीखने को एक बहुत बेहतर माध्यम माना जाता है। कंटेंट फोकस्ड मेथड, कंटेंट फोकस मेथड सामग्री केंद्रित विधियाँ। इस श्रेणी की विधियों में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को सिखाई गई सामग्री में फिट होना होता है। आमतौर पर इसका मतलब यह है कि सिखाए जाने वाली जानकारी और कौशल को पवित्र या बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी आप कंटेंट, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी टेक्स्ट बुक है या जो चीज़ें आप यूज़ करके बच्चे को तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं, उस विधि को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। देखा जाता है कि वह जो नॉलेज आप बच्चे को दे रहे हैं उसी के साथ वह टीचिंग मटेरियल हो या कंटेंट हो फिट होना चाहिए। और इस वजह से सिखाई जाने वाली जो भी जानकारी या कौशल है, इसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सामग्री की स्पष्टता और सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर बहुत जोर दिया जाता है। आपकी जो भी सामग्री है वह अच्छी तरीके से स्पष्ट है या नहीं, और सावधानीपूर्वक उसे एक्सप्लेन करें ताकि बच्चों तक ज्ञान सही तरीके से पहुँचे। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सामग्री के साथ किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं या आलोचनात्मक नहीं हो सकते हैं। एक विधि का एक उदाहरण जो शिक्षक और शिक्षार्थी के हितों की सामग्री के अधीन करता है, वह प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच है। तो प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच होता है जिसकी हेल्प से बच्चा और टीचर दोनों सही चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए टीचर या बच्चा आलोचनात्मक नहीं हो सकते हैं, उन्हें अपनी चीज़ों में फिर बदलाव नहीं लाना पड़ता है। अगर एक बार उन्हें सही सामग्री मिल जाती है, वे बार बार उसे एक्सचेंज नहीं करते हैं, उसी के माध्यम से बेहतर शिक्षण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड, सहभागी विधियाँ। यह चौथी श्रेणी तीन अन्य विधियों से थोड़ा सा उधार लेती है, यानी हर एक विधि का थोड़ा थोड़ा पार्ट इस विधि में आ जाता है। बिना आवश्यक रूप से शिक्षार्थी, सामग्री या शिक्षक पर जोर दिए बिना शिक्षार्थी और शिक्षक की स्थिति को देखते हुए अब सीखने करने के लिए हमारे लिए सबसे उपयुक्त चीज़ क्या है, इसका परिस्थिति जन्य विश्लेषण इन विधियों द्वारा संचालित होता है। सारी विधियों से थोड़ा थोड़ा संज्ञान लेकर इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन विधि को बनाया गया है, जिसमें सहभागी विधियाँ कहा जाता है। सहभाग होते हैं इसमें टीचर और विद्यार्थी, एक दूसरे से सहभागी होते हैं और सीखने के लिए इसे सबसे बेहतर चीज़ माना जाता है, उत्तम चीज़ माना जाता है। और परिस्थिति के अनुसार से इसका विश्लेषण इन विधियों द्वारा संचालित होता है, यानी परिस्थिति के हिसाब से जो भी सहभागी सही हो उसे इन्वॉल्व किया जाता है इस विधि में। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और कारकों की सहभागितापूर्ण समझ की आवश्यकता होती है। संक्षेप में निर्देश में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली इन तीन प्रकार की विधियां हैं, शिक्षक केंद्रित विधियां, शिक्षार्थी केंद्रित विधियां, सामग्री केंद्रित विधियां और इंटरैक्टिव सहभागी तरीके। तो इस प्रकार से सहभागिता को समझने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट हो, टीचर का भी हो, सामग्री का भी हो और इन लोगों का सबका एक सहभागिता हो सही दिशा में। इन सारी चीज़ों की ही वजह से ज्ञान सही जगह पर पहुंचता है या सही वे पे हम उन्हें पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी विधियां हैं, शिक्षक केंद्रित विधियाँ, शिक्षार्थी केंद्रित, सामग्री केंद्रित और सहभागिता तरीके। तो इस प्रकार से अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।